हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल सके क्रिएशन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपकी सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं प्यारा सा खूबसूरत दो कलर में ये डिज़ाइन ले आई हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बनाना भी आसान है। और दोस्तों, इस डिज़ाइन को आप ब्लाउज में, स्वेटर में, टोपी में, जैकेट में, ये इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं और एक अपने स्वेटर को प्यारा सा और ब्लाउज को प्यारा सा लुक दे सकते हैं। और ये बहुत ही आसान है। और दोस्तों, ये आप किसी भी दो कलर में इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और आइकन बेल को दबा दें, ताकि हमारा न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपको बनाना बता रही हूँ दोस्तों। इसमें मैंने 25 फंदे लिए हैं और उसी के हिसाब से इस डिज़ाइन को हमने 5 और 1 5 1 के मल्टीपल में इसको बांट दिया है। यानी कि जो ये हमारा व्हाइट कलर बना हुआ है, ये हमारा 5 फंदा है और एक फंदा ये हमारा पर्पल कलर बना हुआ है। आइए इसको हम बनाते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा। पहले हमें क्या करेंगे, हमें पहले 5 फंदा इसमें लेना है। ये जो हमारा इस जैसे नीचे है, उसी तरीके से हमें ऊपर भी इसको बनाना है। तो आइए हम बनाते हैं। पहले हम 3 फंदा वाइट बुन लेंगे इसमें, इसको हम एक और ये लपेट के 2 फंदा हम, ये हमारा 3 फंदा हमने वाइट बुन लिया। एक फंदा हम उतार लेंगे, फिर एक दो उनको लपेट के हम 3 4 और ये 5, 5 हमारा फंदा हो गया। एक फंदा हम उतार लेंगे, एक उनको दो बार लपेटेंगे 2 फंदा, ये 3 उनको दो बार लपेट लिए हैं 4 और ये 5। एक फंदा हम उतार लेंगे, एक उनको दो बार लपेटेंगे 2 3 4 और ये 5, 5 फंदा हमारा हो गया। एक फंदा उतार लेंगे और एक दो किनारे का फंदा हम एक में इसी तरीके से बुन लेंगे। ये हमारा पहली लाइन कंप्लीट हुआ। दूसरी लाइन में क्या करना है हमें, 3 फंदों को हम खोल देंगे इनको और इसमें 3 फंदा बना लेंगे। एक फंदा उनको आगे करेंगे, पीछे करेंगे और फिर आगे की तरफ से इसको 3 फंदा बना देंगे। जो हमारा उतरा हुआ फंदा है उतार लेंगे, फिर 5 फंदों को हम खोल देंगे 3 4 और 5 और एक साथ इनको जोड़ लेंगे एक में इस तरीके से। और पहला फंदा हम निकालेंगे, उन पीछे करेंगे और फिर आगे करके 2 फंदा हमारा हो गया। फिर उन पीछे करेंगे, फिर इसमें 2 फंदा हम निकाल लेंगे, ये हमारा 5 फंदा हो गया। 1 2 3 4 और 5, 5 फंदा हो गया। उठा हुआ फंदा हम उठा लेंगे, फिर उतार लेंगे उसको, फिर 5 फंदों को हम खोल देंगे। हमने खोल दिया इसको और फिर इनमें 5 फंदा बना लेंगे, 1 2 और ये 2 फंदा और हमारा बन गया जो पीछे से लपेट के आ रहा है। इसको ढीले हाथ से बनाना है। 5 फंदा हमारा हो गया, इसको हम उतार लेंगे, फिर 5 फंदों को हम खोल देंगे और इसमें हम 5 फंदा बना लेंगे। ये पहली फंदा हो गया हमारा, उन पीछे करेंगे फिर आगे ले आके ये हमारा 2 फंदा बन जाएगा इसमें। फिर उन पीछे करेंगे और फिर आगे की तरफ से बिन लेंगे, 5 फंदा हमारा हो गया। फिर उतार लेंगे, फंदा को उतार लेंगे हम, फिर इन 3 फंदों को खोल के हम इसमें भी 3 फंदा बना लेंगे, 1 और ये 2 और ये 3, 3 फंदा हमारा बन गया। और सभी फंदों को हम, ये हमारा 2 लाइन में ये डिजाइन बन गया है। अब ये तीसरे लाइन में हमें दूसरा कलर लगाना है। दो दो लाइन, दो दो रो में ये डिजाइन बन के तैयार हो गया है। अब सभी फंदों को हमें सीधे बुन लेना है। इसमें देखिए हमारा 1 2 3 और ये 4 और
पांच, पांच फंदा हमारा हो गया। ये उठा हुआ फंदा है, इसको भी बुन लेंगे। एक, ये दो, दो फंदा हो गया हमारा, तीन, चार और ये पांच, पांच फंदा हो गया। फिर उठा हुआ फंदा, इसको भी बुन लेंगे हम। एक, दो, तीन, चार या नहीं, ये पांच, फाइव फंदे हमारे हो गए हैं इसमें। ये वन फंदा और ये थ्री फंदा, किनारे हमारा तीन फंदा बचा है, थ्री हो गया। इस तरीके से फाइव वन के ये मल्टीपल पे ये डिजाइन बनाया गया है। पीछे हमें सभी फंदे सीधे मिल लें। इस तरीके से सभी फंदों को हमें उल्टे की तरफ से, ये रंग साइड है इसका, सभी फंदे हम सीधे बुन लेंगे। ये हमने बुन लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ध्यान रखना है इसके ऊपर इसको नहीं डालना है, इसके बीच में हम इस डिजाइन को इसके बीच में डालेंगे, क्योंकि ये हमारा पहले से जो उठा फंदा था, अब उसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये बीच का फंदा है हमारा, और दो फंदा किनारे से लेंगे और दो फंदा इधर से लेंगे। आइए हम इसको बनाते हैं। किनारे का फंदा हम बुन लेंगे इसको, फिर बाकी पांच फंदे, एक, दो, तीन, ये हमारा बीच का फंदा है, चार और ये पांच। अब हमें इस डिजाइन को बीच में डालना है, तभी ये कटिंग की तरह से ये डिजाइन चलता आएगा, चला जाएगा। और ये बीच का फंदा हम उठा लेंगे और फिर बाकी पांच फंदे हम लपेट के बुन लेंगे। दो फंदा हमारा हो गया, एक बीच का, तीन, ये चार और ये पांच, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव और वन के मल्टीपल पे ये डिजाइन इस तरीके से बना हुआ है। इसको उतार लेंगे हम, फिर पांच फंदे हम लपेट के दो दो बार लपेटेंगे और इनको हम बिन लेंगे। तीन फंदा हो गया है, ये बीच का हमारा हो गया है, फिर ये चार और ये पांच फंदा, इस फंदे को उठा लेंगे बीच में का है, और पांच फंदे हम फिर लपेट के, तीन, चार और ये पांच, किनारे हमारा इस फंदे को बिन लेंगे हम। फिर पीछे से हमें उसी क्रम को दोहराना है। इसको हम बिन लेंगे, उठा लेंगे और पांचों फंदों को हम खोल लेंगे। हमने ये खोल दिया, ये डिजाइन पीछे की तरफ से और आगे दोनों तरफ से दिया जा रहा है। और इनमें अब हम पांच फंदा ही इनको बनाना है। पहली फंदा हमने बना लिया, उनको पीछे करेंगे, फिर आगे की तरफ से लपेट के ये दो तीन फंदा हो गया हमारा, फिर उन पीछे करेंगे, फिर लपेट के ये हमारा, ये इसमें पांच फंदा हो गया है, दो दो चार एक पांच। इस फंदे को हम उतार लेंगे और फिर पांच फंदे खोल लेंगे हम। पांचों को हमने खोल लिया है और इनको एक साथ एक साथ बीन लेंगे ढीले हाथ से। एक फंदा उनको पीछे करेंगे, ये हमारा दो फंदा एक साथ हो गया, फिर उनको पीछे करेंगे और फिर एक बार बुन देंगे, ये हमारा पांच फंदा इसमें आ गया। फिर उठा लेंगे इसको, फिर पांचों फंदों को हम खोल लेंगे, ये हमने खोल लिया और एक फंदा उनको पीछे किया, लपेट के दो तीन हो गए हमारे, फिर उन आगे करेंगे पीछे और फिर लपेट के हम, ये पांच फंदा हमारे इसमें हो गया। इसको हम उतार लेंगे और पांच फंदे हम खोल के फिर इनमें पांच फंदा बना लेंगे, एक, दो, तीन और इसको हम बुन लेंगे। अब आगे की तरफ से हमें दूसरा कलर लगाना है, तो इसको हम इस तरीके से सभी फंदे खोल के बुनते जाएंगे। एक फंदा हमारा, दो और ये तीन, चार और ये पांच, पांच फंदा हो गया।
इस फंदे को हम बुन लेंगे, उठा हुआ फंदा था। फिर देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 फंदा। ये 1 इसको बुन लेंगे। फिर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, फिर इसको भी बुन लेंगे हम। इसमें भी हमारे 5 फंदे हैं। इसी तरीके से इस लाइन को पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए पीछे की साइड से हम सीधा बुन लेंगे इसको, सभी फंदे हमें रॉन्ग साइड से बुन लेना है। दो दो लाइन, दो रो में ये डिजाइन बन के तैयार हो रहा है। सभी फंदे हम पीछे से सीधे बुन लेंगे। ये हमारा डिजाइन बन के तैयार हो गया है और इसको बनाइए। और दोस्तों अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट देना ना भूलें। और बनाइए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।